ईज ऑन ऑनलाइन एजुकेशन की बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की यूनिट में आपका स्वागत है। कंप्यूटर की संरचना। किसी भी कंप्यूटर को कुछ भागों से मिलाकर बनाया जाता है जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कंप्यूटर चाहे छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, उसके 5 मुख्य भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, मेमोरी तथा प्रोग्राम। इन सब भागों में आपसी संबंध होता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उन्हें करने वाला भाग या मशीन को प्रोसेसर कहा जाता है। वास्तव में प्रोसेसर ही असली कंप्यूटर है तथा कंप्यूटर के बाकी भाग उसकी सहायता करते हैं। प्रोसेसर ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। प्रोसेसर का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आदेशकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों को समझ कर उसका ठीक ठीक पालन करे तथा उसका उत्तर दे। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU कहा जाता है। इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं, मेमोरी, ALU तथा कंट्रोल। मेमोरी कंप्यूटर की भीतरी मेमोरी है। इस मेमोरी में किसी भी समय किए जा रहे कार्य से संबंधित डेटा को आवश्यकता अनुसार सेव रखा जाता है। यह मेमोरी वैसे तो प्रोसेसर का ही भाग होती है, परंतु इसका मुख्य महत्व होने के कारण हम इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ALU में सभी तरह की गणनाएँ और तुलनाएँ की जाती हैं। हमारे आदेशों को समझकर उनका सही सही पालन करना तथा कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखना तथा उनको नियंत्रित करना या कंट्रोल करने का कार्य इस CPU का होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस चित्र में CPU द्वारा की जाने वाली वर्किंग को समझाया गया है। कोई भी कंप्यूटर सबसे पहले यूजर से इनपुट लेता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद परिणाम दिखाने के लिए आउटपुट देता है। प्रोसेसिंग टाइम पर ही स्टोरेज की जाती है और कंप्यूटर के अंदर कंट्रोलिंग की जाती है। ये सभी कार्य करने के बाद हमारे सामने परिणाम प्रस्तुत होता है। छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर, PC आदि में प्रोसेसर या CPU को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कोई माइक्रो प्रोसेसर अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर होता है जिसमें सभी प्रकार के कार्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से आजकल इंटेल एवं एटॉम कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर बहुत प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। ईज़ोन ऑनलाइन एजुकेशन की सहायता से बेसिक नॉलेज लेने के लिए धन्यवाद।